हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गल्ली क्रिकेट। तो गाइस, आप लोग थोड़ा सा हैरान हुए हो कि हम लोग हाईवे पे आज क्या कर रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग वीडियो में बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि आप लेदर बॉल से खेलिए, टेनिस बॉल से कुछ नहीं होगा, लेदर बॉल से खेलिए। तो गाइस, फाइनली मैंने फ्लिपकार्ट से लेदर बॉल ऑर्डर कर दिया और गाइस मेरे पास 10 दिनों के बाद आ भी गया है। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि लेदर बॉल से खेलने के लिए एक सीमेंटेड पिच का होना बहुत जरूरी है। तो गाइज, हमारे गांव में अभी तो सीमेंटेड पिच है नहीं, लेकिन हम लोग यहां पे हाईवे पे आ चुके हैं क्योंकि गाइज हाईवे का जो सरफेस है वो काफी स्मूथ है, अच्छा है। तो गाइज, आज हमारे पास है ये लेदर बॉल। तो गाइज, हम लोग देखते हैं कि ये जो बॉल है वो स्विंग होता है कि नहीं होता है। और गाइज, ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि मुझसे टेनिस के बाद तुरंत से एकदम लेदर पे शिफ्ट होने हो रहा हूं मैं, तो इससे मुझे बॉलिंग करने में क्या क्या दिक्कत आती है। अभी हम बॉल डालते हैं और देखते हैं कि ये बॉल स्विंग होता है कि नहीं होता है। तो गाइज, जैसा कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कि मैं पहले तो टेनिस बॉल से बॉलिंग करता था और अब ड्यूज बॉल से बॉलिंग कर रहा हूँ, तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो गाइज, सबसे पहले जो बॉल का साइज है वो बहुत बड़ा एक इशू है। गाइज, अगर टेनिस बॉल को आप देखो तो उसका साइज है वो लेदर बॉल से काफ़ी छोटा होता है। तो गाइज, अगर आप पहली बार लेदर बॉल से बॉलिंग करोगे तो वो आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, हाथ में जल्दी पकड़ेगा नहीं, और गाइज आपका जो लाइन और लेंथ है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहला जो दिक्कत आती है वो यही आती है कि जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।